प्लान और ये है लीडरशिप। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर अभी वो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप सक्सेस प्लान पे काम कीजिए, लीडरशिप पे काम कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपनी अपलाइन की अपलाइन सुपर अपलाइन को फॉलो कीजिए। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, पर यह है कि थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा करते कर। अगर जैसे आपने 2-3 महीने करके छोड़ दिया तो आपको लगेगा कि ओरिफ्लेम में कुछ नहीं होता, और आप किसी को कोई आपसे पूछता तो आपने आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो ओरिफ्लेम किया था उसमें कुछ नहीं होता मैंने छोड़ दिया। पर मैं आप सब लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना उनका तो कुछ नहीं होना, पर जो डटे रहेंगे जो करते रहेंगे उनका जरूर होगा। और शायद आप लोगों ने ये कहावत भी सुनी है और सब लोगों को ये पता भी है कि कोई भी हो, चाहे डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी प्रोफेशनल जो भी अपने अपने काम में माहिर होते हैं वो क्यों होते हैं। मैं कभी कभी सोचती थी कि स्कूल में कि टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनको आंसर क्या क्वेश्चन भी याद होते, तो मैं सोचती थी कि इनको कैसे इतना, तो आज पता चलता है कि वो एक ही बुक को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो उनको आंसर के साथ क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप ओरिफ्लेम में लगे रहेंगे, लीडरशिप पे, सक्सेस प्लान पे काम करेंगे, तो आप जरूर ग्रो करेंगे। और आपको पता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो कभी भी वर्क करना नहीं छोड़ना, थोड़ा सा लक होता है किसी को, थोड़ा जल्दी होता है किसी का, लेट होता है, पर होगा जरूर। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठे आपको लखपति क्या, करोड़पति क्या, अरबपति भी बना देगी, अगर आप में पैशन है और अगर आपने ओरिफ्लेम में PhD कर ली है। पी मतलब पैशन, एच मतलब हंगर, काम करने की हंगर, लेवल करने की हंगर, और डी मतलब डिसिप्लिन। हमारे शेफाली मैम है वो बोलते हैं कि ओरिफ्लेम में PhD कर लीजिए, आप जरूर कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात है अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली को देखते हुए अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। बस यही बोलूँगी, हैप्पी वुमेंस डे।